हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं माँ दुर्गा की पूरा ड्राइंग नहीं लेकिन थोड़ा सा ड्राइंग कंप्लीट करूँगा। और अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लेना। और अगर डिस्क्रिप्शन की तरफ जा ही रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो ड्राइंग में वापस आते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली जो सिंह महाराज है उनकी फेस पे और पूरे बॉडी में जहाँ पे भी मैं ब्राउन कलर को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वहाँ पे मैं सिंपली ब्राउन कलर की मदद से अच्छी तरह से शेड कर रहा हूँ। और जहाँ पे भी एकदम हल्का ब्राउन एरिया ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ वहाँ पे मैं सिंपली एकदम हल्के हाथ से शेड कर रहा हूँ। और आप लोग ये ज़रूर से देख लेना कि आपका कलर पेंसिल जब आप यूज़ कर रहे हो तो वो एकदम शार्प होना चाहिए, इससे आप बहुत ही अच्छी तरह से शेड कर सकते हो। तो आप लोग मेरा पॉइंट याद रखना और एकदम अच्छी तरह से ड्राइंग करना और धीरे धीरे ड्राइंग करना। ओके, तो अब ब्राउन कलर से शेडिंग हो जाने के बाद मैं यहाँ पे फेस पे और बॉडी पे येलो कलर से अच्छी तरह से शेड कर ले रहा हूँ। और ये जो सिंह महाराज की जो गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको छोड़ के शेड कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं कहाँ कहाँ कौन से कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और सारे कलर्स के नेम मैं स्क्रीन पर वैसे भी मेंशन कर दूंगा, आप उसको एक बार ज़रूर से अच्छी तरह से देख लेना कि मैं कहाँ कहाँ कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं सिंह महाराज की फेस पे जो हेयर है वहाँ पे मैं सिंपली ब्लैक कलर का यूज़ कर रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट के लिए। तो ब्लैक कलर से शेडिंग हो जाने के बाद इसके ऊपर मैं एक बार व्हाइट कलर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे माँ दुर्गा की पैर पे और पैर पे जो कपड़ा है उसके लिए मैं सिंपली जहाँ जहाँ जो जो कलर यूज़ करूँगा उसका नाम मैं स्क्रीन पे एग्जैक्ट टाइम पे मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ ज़रूर से देख लेना। तो आप लोग देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। ओके, तो गाइज इस वीडियो में ही मैं बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा कलर कर लूँगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा था एकदम फर्स्ट पार्ट पे कि मैं इस ड्राइंग को पूरा कलर पेंसिल से करूँगा, लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि पूरा ड्राइंग कलर पेंसिल से कलर करना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में भी बहुत सारा कलर लगेगा और एग्जैक्ट कलर भी कलर पेंसिल के इस बॉक्स पे नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ऑयल पेस्टल का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देखो मैं कहाँ कहाँ कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना। और कलर्स के नेम मैं स्क्रीन पे वैसे भी मेंशन कर दूंगा, मैं इस तरह से एकदम 3 बार बोल चुका हूँ तो फिर से बोल रहा हूँ कुछ नहीं। तो आप लोग देखो मैं कहाँ कहाँ कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करना।
गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस वीडियो का थर्ड पार्ट भी आने वाला है। तो मिलते हैं इस वीडियो की थर्ड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।